ओवैसी पागल हो गए, सठिया गए हैं, और मैं देश के वजीराजम प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करता हूं कि संसद सदस्य है ये हैदराबाद का, इसका इलाज करवाए आगरा में ले जाके, और नहीं तो ये हिंदू मुसलमान का राइट्स कराना तय है। और उसके बाद फिर ये जो सोनिया गांधी बैठी हुई है 24 अकबर रोड में, ये बोलेगी कि दंगा हो गया, ये हो गया, तो जल्द से जल्द इस आदमी को इलाज करवाओ, और नहीं तो ये कुछ दिन के बाद ये भी बोल देगा, वो वैसे ही हैदराबाद से बैठ के ये भी बोल देगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कुर्सी है वो मेरा है, मुझे दो। आइए, पागल आदमी क्या बोल रहा है कि मस्जिद मेरा है, मेरा मस्जिद वापस करो, क्या था खिलौना है क्या, मार्केट में बिक रहा था कि मेरा कोई किसी ने ले लिया और दे दिया, छीन लिया, झपट लिया। एक पता नहीं कहां से बैरिस्टर पास किया है, ये चोरी से पास किया है बैरिस्टर, जाके वहां पे पैसा देके हैदराबाद का अपने बाप का पैसा लिया है और जाके पैसा देके बाहर से पास करके आया है। ये क्या है बयान कि मेरा मस्जिद वापस करो, तेरा मस्जिद था वो, किसी का मस्जिद नहीं था वो, बाबर ने बनवाया था, उसको हटा दिया गया, वहां पे अब वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि वहां पे राम मंदिर बनेगा। मुसलमान भाई लोग को जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है जो याचिकाकर्ता था उनको दिया है 5 एकड़ जमीन, स्वीकार करना चाहिए, अस्वीकार किया भी, और सारे हमारे मुस्लिम धर्मगुरु स्वीकार कर रहे, बोल रहे हैं कि ये आदमी ना हमारे वक्फ बोर्ड में आता है ना याचिकाकर्ता में आता है। ये आपने देखा होगा बिहार यूपी बिहार शादी में कि बड़ा जा रहा है, आ जाके नाचने लगे, अब पैसा उठाने लगे, ये पागल हो गया, ये इसको कोई पूछ नहीं रहा है, ना देश के वजीर आजम पूछ रहे हैं, और ना कोई सुन्नी वक्फ बोर्ड पूछ रहा है, ना हैदराबाद पूछ रहा है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन जानबूझ के इसका इसके चैनल के इसके घर के बाहर में हैदराबाद के बाहर में दो चैनल वाले खड़े हैं, एक एनडीटीवी वाले एक बीबीसी वाले बाहर खड़े रहते हैं, जैसे दरवाजा खोला दो गले में हाथ डाल के बोलता है सब। ये हेडलाइंस किसका था, ये हेडलाइंस किसका नहीं था, सबसे पहले हेडलाइंस ब्रेकिंग में एनडीटीवी में बड़ी बड़ी खबर आ रही है कि ओवैसी ने बोला मेरा मस्जिद वापस करो। मैं तो सवाल करता हूँ उन पत्रकारों पे, मेरा मस्जिद वापस करो क्या मतलब है, तेरा मस्जिद था वो तो इकबाल अंसारी साहब का, उसने याचिकाकर्ता थे, कोर्ट ने उनको फैसला दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, और साथ में क्या बोला था ये पगला आदमी, सठियाया हुआ, चर्सी सुल्फा पिया हुआ, क्या बोला था उस दिन बोला था, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, जिस दिन वर्डिक्ट आया था बोला था कि मुझे उससे पहले क्या बोलता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सर आंखों पे, टोपी पे, मुंह पे, जीभ पे, सब जगह आएगा, अब कहाँ चला गया, क्योंकि जानता था कि वर्डिक्ट आया उसमें हमारे हिंदू भाई खुश हैं, मुसलमान भाई सब लोग खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि किसी की जीत नहीं है, ये एक 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 फैसला आया है, इसको सर आंखों पे रखिए, और सब लोग कोई नहीं, कहीं कोई हिंदू भाई, कोई कोई मुसलमान भाई, कोई रो रहा है, ये सुल्फा पिया हुआ ओवैसी पागल कुत्ता ये आके बोल रहा है, ये राइट करना चाहता है। और एक आपके चैनल के माध्यम से और बोलता हूँ, ये इनको इकबाल अंसारी साहब ने बोला था कि ये आदमी का मैं शक्ल देखना नहीं चाहता, अब बार बार उसके पास जा रहा है। बिहार में कहावत है कि बिन बिया कनपट्टी में सेनूर, सेंदू लगता है इसमें, यहाँ पे लगता है, आइए सेंदू लगा रहा है यहाँ, क्योंकि पागल है ये, सटिया गया है। और बात बताता हूँ, ओवैसी ने कहा था जब वर्डिक्ट आया था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं जब सड़क पे उतरूँ तो 5 एकड़ जमीन का और मस्जिद का पैसा मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि एक बार उतर जाओ फिर पता चलेगा, लेकिन हैदराबाद में उतरना, दिल्ली में उतरना, जूते ज्यादा मिलेंगे, पैसा कम, यहाँ से वापिस नहीं जाएगा, क्योंकि वो मैं बता दूं ना कि वो कटोरा लेके नहीं गमे, कटोरा में जूता आएगा ही नहीं, गमछा लेके चले, जूते ज्यादा मिलेंगे आप पैसा कम। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इसका इलाज नहीं करा सकते, मुझे मालूम है नहीं कराएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी इनकी मम्मी लगेंगे रोने, हमारे बेटवा को काहे छेड़ रहे हो, हमारे बेटवा को काहे छेड़ रहे हो, क्योंकि कभी कभी बोलती है कि हमारा बेटा है ये। और रही बात इलाज इसलिए नहीं कराएंगे कि वो सोनिया जी परेशान हो जाएंगी, इसको एक ही इलाज होता है, सुप्रीम कोर्ट बुलाए और पूछे कि अगर मेरा वर्डिक्ट आ गया है, क्योंकि ये वकील भी है ना, तो अगर मेरा वर्डिक्ट आ गया है तो उस वर्डिक्ट में छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। आज जब कोर्ट ने बोल दिया था कि मेरे वर्डिक्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई अमान्य नहीं होनी चाहिए, तो ये बार बार कर क्यों रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पागल हो गया है। और अभी अभी हमारे
बोबडे साहब आ रहे हैं नए सुप्रीम कोर्ट के CJI, मुझे लगता है कि वो इलाज करवा देंगे इसका, क्योंकि वो बार बार वो सुनेंगे नहीं, वो मराठी है, वो सुनेंगे नहीं, इलाज कर देंगे इसका।